हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द डेटा सिंह। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंटेंट के बारे में, जो कि है लिंक्डइन। तो हम बात करेंगे कि लिंक्डइन क्या होता है, क्यों आपको लिंक्डइन पे होना चाहिए और आपको लिंक्डइन को किस तरीके से यूज़ करना चाहिए। तो अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसका अभी तक लिंक्डइन पे अकाउंट नहीं है और वो जॉब सर्च कर रहा है या प्रोफेशनल वर्ल्ड में एंटर करने की तैयारी कर रहा है, तो अभी इस वीडियो को पॉज करें और अपना लिंक्डइन पे अकाउंट बनाएं, ताकि जो वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ स्टेप्स, उसको आप साइड बाय साइड जो है वो और समझ जाएं और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि लिंक्डइन है क्या। तो मैं आपको एक अगर उसकी एनालॉजी दूं, तो फेसबुक आप सबने लोगों ने यूज किया होगा। तो फेसबुक आप किस लिए यूज करते हो? फेसबुक एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपने नोन लोगों से, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो वो आपको ये एबिलिटी प्रोवाइड करता है। देन आप उनके साथ फोटोज शेयर कर सकते हो, आप उनके साथ वीडियोज शेयर कर सकते हो, एंड यू कैन डू लॉट मोर स्टफ ऑन फेसबुक। अब लिंक्डइन क्या है? लिंक्डइन इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप प्रोफेशनल्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो। अब प्रोफेशनल से मेरा क्या मतलब है? ऐसे लोग जो कि प्रोफेशनली कहीं पे काम कर रहे हैं या कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या कहीं पे जॉब कर रहे हैं या कुछ बिजनेस रन कर रहे हैं, कोई एंटरप्रेन्योर हैं, तो ऐसे लोग वहाँ पे होते हैं, आप उनके साथ कनेक्ट कर सकते हो। अब फेसबुक पे क्या है कि हम ऐसे लोगों से कनेक्ट नहीं करते हैं जो हम जिन लोगों को नहीं जानते हैं। तो लिंक्डइन जो है वहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हो ऐसे लोगों के साथ भी जिनके जिनको आप नहीं जानते हो, बट उनके साथ आप कनेक्ट करना चाहते हो। तो लिंक्डइन क्या है ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। अभी इस वीडियो को पॉज करो और अपना लिंक्डइन अकाउंट जो है वो साइन अप करें अभी, ताकि आगे की वीडियो के स्टेप्स आपको और अच्छे से समझ आ पाए। तो अब हम बात करेंगे कि लिंक्डइन जो है वो क्या आप कर सकते हो लिंक्डइन के अंदर। तो क्या क्या चीज़ें लिंक्डइन में पॉसिबल है? तो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिसके लिए लिंक्डइन बना गया था, दैट इज जॉब्स। तो लिंक्डइन जो है आपको हेल्प करता है जॉब सर्च करने पे। अब लेट्स से कि आपको किसी कंपनी में जाना है, तो अब उस कंपनी के लिए आप क्या सोचते हो? अगर आप फ्रेशर हो तो आप इतना ज़्यादा रिसर्च नहीं करते हो, बट जब आप एक्सपीरियंस्ड होते हो, आप किसी कंपनी में जाते हो, तो उसके बारे में आप कुछ चीज़ें पढ़ते हो कि वो कंपनी का कल्चर कैसा है, वहाँ पे काम किस टेक्नोलॉजी के ऊपर हो रहा है, उसका स्टैक कैसा है, और बहुत सारी चीज़ें होती है आपके माइंड पे। तो उसके लिए आप क्या करते हो? आप चाहते हो कि कोई इंसान आपको मिल जाए जो आपको ये चीज़ें सब बता पाए और समझा पाए कि कंपनी कैसे चल रही है, क्या है क्या नहीं है। तो लिंक्डइन जो है वो आपको ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि आप लोगों से कनेक्ट कर सकते हो और उनसे जाके पूछ सकते हो कि कंपनी में क्या कल्चर है, और जो भी आपके माइंड में क्वेश्चंस हैं वो सारे आप उनसे पूछ सकते हो। तो सबसे पहला रीज़न क्या हो गया? जॉब्स। सेकेंड चीज़ क्या हो गई? एक आप अपना पर्सनल ब्रांड क्रिएट कर सकते हो लिंक्डइन पे। लिंक्डइन पे क्या है, अभी हम देखेंगे, प्रोफाइल पे आप अपनी चीज़ों को शोकेस करते हो। रिक्रूटर्स जो होते हैं वो आपकी चीज़ों को देखते हैं कि आपने क्या प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, क्या आपका टेक्नोलॉजी है, क्या आप डेली बेसिस पे, कई बार होता है कि आपके कंटेंट जो आप पोस्ट करते हो लिंक्डइन पे, उसके बेसिस पे भी रिक्रूटर्स जो हैं वो आपको वॉच करते हैं एंड आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं रिगार्डिंग एनी अपॉर्चुनिटीज़ इफ दे हैव, एंड लाइक इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दोज अपॉर्चुनिटीज़, तो आप उनको ऑप्टेन कर सकते हो, आप उनको यू कैन टेक अहेड विद दोज अपॉर्चुनिटीज़। अब उसके बाद तीसरी चीज़ जो है वो है कोलाबोरेशन। अब जैसे कोलैबोरेशन कैसे, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो या आप फ्रीलांस भी करते हो, तो क्या है कि आपको आपके माइंड में एक आइडिया है या आपको कुछ प्रोजेक्ट करना है। लेट्स से आप वेब डेवलपर हो एंड आपको एक एंड्रॉयड की ऐप बनानी है उसके कॉरस्पॉन्डिंग, तो आप क्या करोगे? आप ऐसे लोगों से कनेक्ट कर सकते हो लिंक्डइन पे जो एंड्रॉयड डेवलपर हैं, देन आप उनसे कोलैबोरेट करके वो अपना जो प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ मेन रीजंस हैं लिंक्डइन के ऊपर आप होने चाहिए उसके। तो प्लीज़ मेरी फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपना अकाउंट जो है वो लिंक्डइन पे बना लें। अब हम देखते हैं कि लिंक्डइन प्रोफाइल दिखती कैसी है, तो वो चीज़ के बारे में हम देखते हैं। तो जब आप लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाओगे तो उसके कुछ सेक्शंस होते हैं। एडिट योर प्रोफाइल में जाओगे तो आपके एक होम पेज खुलेगा जो ब्लैंक होगा। ये मेरी प्रोफाइल आप देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे इसके क्या डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन है? सबसे पहली चीज़ जो आप देखते हो, फेसबुक हो या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है? आपकी डिस्प्ले पिक्चर। अब डिस्प्ले पिक्चर क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? हम फेसबुक पे कैसी भी डिस्प्ले पिक्चर डाल सकते हैं, बट यहाँ पे जो डिस्प्ले पिक्चर है वो आपके पिक्चर देख के कुछ पॉजिटिव वाइब्स आनी चाहिए या वो प्रोफेशनल होनी चाहिए। अगर वो आपने किसी और, मतलब आपके आपके अपने आप को वो दिखाए आपकी पिक्चर, तो अगर आप मतलब प्रोफेशनली आप आपको अच्छा लगता है कैजुअल्स सॉरी फॉर्मल्स पहनना, तो आप फॉर्मल्स के अंदर वो फोटो वहाँ पे लगाओ। अगर आपको अच्छा लगता है जैसे हाइकिंग करना, कई लोगों की मैंने देखी है जो बहुत पॉपुलर लिंक्डइन पे हैं, जिनकी डॉग्स के साथ भी पिक्चर होती है, तो वो बताते हैं कि दे आर अ डॉग लवर। बट एक कॉमन चीज़ जो है वो हर प्रोफाइल में आपको मिलेगी, दैट इज़ अ स्माइल। तो ऐसी ही फोटो लगानी है आपको, स्माइल के साथ लगानी है। आपको कुछ एटीट्यूड या लुक देते हुए वैसी फोटोज़ नहीं लगानी है,
रिक्रूटर्स जो है सबसे पहले आपके फोटो देखने वाले हैं, तो आप उस हिसाब से लगाना वो फोटो जो वो देखें और उनको लगे कि हाँ ये बंदा प्रोफेशनल है, हमारे साथ काम कर सकता है। उसके बाद आता है आपका नाम, आप अपना नाम को जो है वो ठीक से लिख सकते हैं। एक चीज बहुत लोगों में देखी है, लोग प्रोफाइल बनाते हैं अपना नाम जो है उसके इनिशियल जो है वो भी कैपिटल में नहीं करते हैं, तो वो एक बहुत ही बैड इमेज देता है जो सामने वाला बंदा आपकी प्रोफाइल देख रहा है उसके लिए, तो वो गलती प्लीज कभी भी मत करना। देन उसके बाद आप यहाँ पे कुछ लिखते हो अपने बारे में, तो आपके टैग्स होते हैं, ये टैग्स जो हैं कोई भी बंदा आपकी प्रोफाइल खोलता है तो ये भी टैग्स उसको साथ में दिखते हैं, तो ये टैग्स जो हैं ये रिप्रेजेंट करने चाहिए कि आप क्या चीज़ पे काम कर रहे हो अभी, आपकी स्पेशलिटी क्या है, ऐसी चीज़ें। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है SDE2 सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर 2 हूँ मैं, पाइथन इज माई एरिया ऑफ वर्क, देन सिक्योरिटी एनालिटिक्स, डेटा एक्सट्रैक्शन NLP, ये सारी चीज़ें हैं जिसपे मैं काम करता हूँ। तो इफ़ anyone wants to see my profile, तो ये उनको पहले दिखेगा, और अगर इन चीज़ों में उनको इंटरेस्ट है तो वो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और इंटरेस्ट नहीं है तो वो वहीं से हो सकता है कि वो कॉन्टैक्ट ना करें मुझे। देन उसके बाद एक आता है अबाउट सेक्शन। अबाउट सेक्शन जो है आपको इनिशियली, अब जैसे दो लाइन यहाँ पे दिख रही है तो आपकी कोई प्रोफाइल खोलेगा तो दो लाइन ही दिखेंगी, ठीक है, सी मोर करके आप ज़्यादा लाइन देख सकते हो, बट ये जो दो लाइन्स हैं ये ऐसी होनी चाहिए कि बंदे को क्लिक करने पे सी मोर को मजबूर कर दे वो। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कुछ अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में, मतलब आप मेरी प्रोफाइल देख सकते हो, विजिट कर सकते हो, और आप देख सकते हो कि कैसे मैंने अपनी प्रोफाइल के अंदर ये अबाउट का सेक्शन डाला हुआ है। मैंने एक्चुअली एक कंटेंट रेफर करा था ये अबाउट का सेक्शन बनाने के लिए भी, और इसमें भी मैंने थोड़ा अपना एफर्ट पुट इन करा था कि मैं अपना अबाउट का सेक्शन जो है वो ऐसा बना पाऊँ कि वो देखने में थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे। अगर आपके कुछ सजेशन है मेरे अबाउट सेक्शन के लिए या मेरी पूरी प्रोफाइल के लिए तो प्लीज़ मेरे को लिंक्डइन पे मैसेज करना एंड मेरे को ये चीज़ बताना। देन उसके बाद एक चीज़ आती है यहाँ पे फीचर टैग्स, तो मतलब फीचर सेक्शन जो होता है इसमें आप अपने पोस्ट, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो बेसिकली उनके लिए जो कंटेंट क्रिएट करता है, तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे चैनल का लिंक है एंड यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें हैं जैसे कि मैंने जो ब्लॉग्स हैं कुछ कुछ मैं पोस्ट अपने करता हूँ तो उनको मैंने यहाँ पे फीचर में डाला हुआ है। देन उसके बाद यहाँ पे कुछ आपके स्टैट्स आते हैं कि आपके कितने लोगों ने प्रोफाइल व्यू करी, कितने लोगों ने आपके पोस्ट व्यू करे, सर्च अपीयरेंसेस कितने थे, सर्च कीवर्ड्स कितने थे, वो सब चीज़ें आती हैं। देन यहाँ पे आपके आएगी कि आपके अकाउंट से क्या एक्टिविटीज़ हुई हैं, तो वो एक्टिविटीज़ आती हैं यहाँ पे। देन यहाँ पे आप अपना एक्सपीरियंस डाल सकते हो। अब देखो एक्सपीरियंस का मतलब ये नहीं है कि आपको एक कंपनी में काम कर रहे हो तो वैसे ही एक्सपीरियंस डालना है। एक्सपीरियंस डालने के पर्पस से आप आपने कुछ वॉलंटियर एक्सपीरियंस करा, आपने कुछ फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स करे तो आप वो भी यहाँ पे डाल सकते हो। तो मेरे यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट्स थे, जैसे मैंने इंटर्नशिप करी थी एक, तो मैंने वो भी इंटर्नशिप भी यहाँ पे डाली हुई है। जितने आप अच्छे एक्सपीरियंस डालोगे, और एक चीज़ और क्या इंपॉर्टेंट है, जब आप अपने एक्सपीरियंस डालते हो यहाँ पे किसी भी चीज़ का, तो उसके लिए ये चीज़ लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये रिफ्लेक्ट करता है कि अच्छा आपने यहाँ पे क्या काम किया है, तो वो चीज़ यहाँ से आप पता लगा सकते हो, तो ये चीज़ डालना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अपना एजुकेशन डाल सकते हो यहाँ पे, आपने कुछ सर्टिफिकेशंस करे हुए हैं तो वो डाल सकते हो। जैसे आप देख सकते हो मैंने MongoDB के कुछ सर्टिफिकेशंस करे हुए हैं, एंड्रॉइड ट्रेनिंग करी हुई है, तो वो सब मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। देन स्किल एंडोर्समेंट होता है कि आप अपने स्किल्स करते हो कि आपको किस स्किल के लिए लोग जो हैं वो देखें, तो आप अपने स्किल की एंडोर्समेंट पूरी यहाँ पे डाल सकते हो। देन उसके बाद मतलब यहाँ पे आप स्किल्स ऐड कर सकते हो अपने के, पाइथन, मशीन लर्निंग और जावा और C++, सी। देन उसके बाद आता है रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन होता है कि जनरली जिन लोगों के साथ आपने काम किया है आप उनको रिकमेंडेशन दे सकते हो, वो आपको भी रिकमेंडेशन दे सकते हैं, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे आती हैं जिसमें वो लोग आपके बारे में कुछ लिखते हैं और लोग वो पढ़ के मतलब आपके बारे में एक अंदाज़ा लगाने की कोशिश करता है कोई भी एक नया बंदा कि आप कैसे इंसान हो काम के मामले में। उसके बाद यहाँ पे कुछ अवार्ड्स और ये सब चीज़ें हैं जो अकम्पलिशमेंट्स हैं, ये आप जब देखोगे, ये बहुत ज़रूरी नहीं है बट इम्पॉर्टेंट है, आपके सेक्शन कोई भी ब्लैंक नहीं होना चाहिए लिंक्डइन प्रोफाइल के अंदर, तो ये सब चीज़ें आप जब लिंक्डइन ऑपरेट करना शुरू करोगे तो आपको ये सब चीज़ें समझ आने लग जाएंगी अपने आप। तो प्लस पे जाके आप यहाँ पे सेक्शन ऐड कर सकते हो, आपने कोई पब्लिकेशन है या कोई प्रोजेक्ट है, कोई पेटेंट है, कोई अवार्ड मिला है, कोई टेस्ट का स्कोर है, ऑर्गेनाइजेशन लैंग्वेज, मतलब ये सब चीज़ें आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे। तो जैसे मैंने प्रोजेक्ट्स ऐड करे हुए यहाँ पे, तो मेरे सारे प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे कि क्या प्रोजेक्ट था, किसके साथ मैंने क्या प्रोजेक्ट में क्या किया है मैंने, तो वो सब चीज़ें आ जाएंगी। मेरे कुछ इंटरेस्ट जो मैंने फॉलो करी हुई है चीज़ें वो आ जाएंगी। तो ये एक पूरी ओवरऑल इंस्टाग्राम प्रोफाइल जो है वो ऐसी दिखती है। अब कुछ ऐसी चीज़ें मैं बोलूँगा कि जो आपको करनी चाहिए जब आप आप लिंक्डइन यूज़ कर रहे हो, तो वो चीज़ें क्या है। नंबर वन, आपको एंगेज करना पड़ेगा लोगों के साथ। एंगेज का मतलब क्या है कि आप लोगों की पोस्ट पे कमेंट्स वगैरह का, यूज़फुल कमेंट्स, ऐसा नहीं कि आप बस फॉर द सेक ऑफ कमेंटिंग आप कमेंट कर रहे हो। अगर आप चाहते हो कि आपको कोई देखे तो आपको ये भी समझना होगा कि आपको अपनी अपनी प्रेजेंस भी लोगों को दिखानी होगी।
अगर आप कुछ नहीं कर रहे, खाली अकाउंट बना लिया, तो उसका कोई फायदा नहीं, आप कहीं नहीं दिखोगे पूरे। तो दूसरी चीज जो आपको करनी होगी वो है कि आपको पोस्ट करना पड़ेंगे अपने अपडेट्स। तो पोस्ट क्यों करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप उस प्लेटफॉर्म को यूज ही नहीं कर रहे तो किसी को भी नहीं पता लगेगा कि आप दिखोगे नहीं वहां पे, कि आप वहां पे हो भी या नहीं हो, ठीक है। तो लिंक्डइन जो है उसके एल्गोरिथम भी बाकी प्लेटफॉर्म के एल्गोरिथम की तरह ही है कि आप अगर प्लेटफॉर्म पे एक्टिव हो तो आप दिखोगे। तो आप पोस्ट किस चीज के बारे में कर सकते हो, पोस्ट आप कर सकते हो आपने कुछ भी सीखा है, अगर कुछ भी इवन अ बेसिक थिंग, तो उसके बारे में आप पोस्ट कर सकते हो, जो चीज आपके लिए बेसिक है बट आपने आपने भी कहीं से सीखी है, हो सकता है वो किसी और के लिए भी बेसिक हो, ठीक है। तो पोस्ट करोगे आप, उसके बाद आप लोगों से जो है एंगेज करोगे इन द फॉर्म ऑफ, आप उनसे मैसेजेस कर सकते हो इफ यू आर लाइक किसी ने कुछ पोस्ट किया और आप इंटरेस्टेड हो उस पर्टिकुलर चीज के ऊपर लेके, तो आप उनसे पूछ सकते हो कि उन्होंने क्या चीज से करा, कैसे करा, क्या पाथ है जो आप फॉलो कर सकते हो। अगर आपको, आप किसी को एस्पायर कर रहे हो, लेट्स से कि अगर कोई डेटा साइंटिस्ट है और एंड आप भी डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हो, अभी आप फ्रेशर हो या आप मूव करना चाहते हो उस फील्ड से, तो आप उनसे पूछो कि उन्होंने क्या पाथ फॉलो किया था, आप क्या पाथ फॉलो कर सकते हो, आपके लिए क्या हेल्पफुल हो सकता है। तो मतलब बिलीव मी के बहुत लोग अच्छे हैं वहाँ पे, काफ़ी लोग आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे अगर आप उनसे सिंसियरली हेल्प मांगोगे। तो इसी के साथ मैं थर्ड पॉइंट पे आऊँगा कि अब जब भी आप ऐसे बात कर रहे हो किसी से तो आपको एक प्रोफेशनल तरीके से बात करनी है, ऐसा नहीं कि आपने कनेक्ट किया एंड डायरेक्टली बस अपनी बोलते रहे और सामने वाले बंदे की नहीं सुनी या उनको उनकी सुनने का आप उनको बोलने का मौका नहीं दिया तुमने, तो ये नहीं करना है। आपको प्रोफेशनली कनेक्ट करना है उनसे, उनसे मतलब बात करो, पूछो कि वो क्या प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, उनकी एक्सपर्टीज क्या है, ठीक है, कौन सी कंपनी में वो काम कर रहे हैं, ऑल दो वो आपके। और एक चीज़ और कि उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल देख के फिर उनको मैसेज करना। अब उनसे पूछ रहे हो कि मतलब कि आप कौन सी कंपनी में काम कर रहे हो अभी, जैसे मैंने बोला, तो ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कौन सी कंपनी है। तो ऐसे उनसे कनेक्ट करके थोड़ी सी कन्वर्जेशन बिल्डअप करके देन आप अपनी पॉइंट्स उनसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये मेरा कुछ चीज़ें थी जो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी फॉलो करो, और अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है इस चीज़ से, दैट इज़ डेफिनेटली वन थिंग, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो एंड करते हैं, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल द डेटा सिंह, एंड आई विल बी पोस्टिंग सम मोर वीडियोज़ अराउंड गिटहब एंड पाइथन। थैंक यू।